नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ, इस जंग में मेरा मतलब है कोरोना जैसे त्रासदी में। यूँ तो पूरा भारतवर्ष आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जंग ही लड़ रहे हैं, मगर इस जंग लड़ने में एक खास वर्ग है जिन्होंने जब से अपनी जिंदगी की शुरुआत करी तब से केवल और केवल समाज में खुशी बांटते हैं। समाज में खुशी के वक्त में इनकी उपस्थिति के बगैर अगर ये उपस्थित ना हो तो वो खुशी अधूरा सा रहता है। मगर क्या आज कभी इन खुशी बांटने वालों को किन्हीं ने देखा? आज इनके दर्द को किन्हीं ने समझा? परेशान हैं, पिछले 2.5 महीने से इनके पास कोई रोज़गार नहीं है, पिछले 2.5 महीने से इनके पास कोई काम नहीं है। ये भी आपके तरह परिवार चलाते हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, इन्हें भी भाड़ा देना पड़ता है और कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं है इनके यहाँ। तो चलिए आज कुछ ऐसे खुशी बांटने वाले दीवानों से मिलते हैं जिनको अभी आपने सुना कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस मुसीबत में भी ये जिंदगी को जंग मान के लड़ रहे हैं। और इनके इस जज्बा को, इनके इस प्रयास को हम एसएमपी झारखंड अपनी ओर से शुभकामना देते हुए इन्हें सलाम करते हैं और इनसे दो एक और गीत सुनते हैं और फिर कुछ छोटी मुलाकातें मैं इनसे आपको करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं रांची आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित कुछ कलाकारों से जो आज के तारीख में खुद अपने सहयोग से अपने कलाकारों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके खाने पीने के लिए अथक प्रयास कर सदैव लगे रहते हैं। कमल कुमार जी हैं। कमल जी, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। इन दिनों कैसे चल रही है आपकी? जैसा सब जान ही रहे हैं कि किसी के पास कोई काम नहीं है और हम लोगों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों का लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद सब पटरियाँ पर आ जाएगी ज़िंदगी, लेकिन हम लोगों का कुछ दूर दूर तक पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा हम लोगों के साथ। ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है हम लोगों के लिए। अभी फिलहाल कैसे चल रहे हैं? क्या सरकार के इधर से आपको कोई मदद, कोई सामाजिक संगठन आपके लिए कुछ काम किया? सरकार के तरफ से तो अभी तक कोई मदद नहीं हम लोगों को मिली है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री PMO में भी हम लोगों को पत्र लिखा है, लेकिन हम लोगों को कहीं से कोई मदद अभी तक नहीं आई है। हम लोग खुद अपने संगठन के अपने संगठन से हम लोग का कलाकारों का मदद करते हैं, खुद फंड कुछ कुछ इकट्ठा करते हैं, कहीं से राशन इकट्ठा करके और कलाकारों में हर 10-15 दिन के अंतराल पर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से चल रहा है बस, किसी तरह से। हम लोगों का काफ़ी परेशानी है हम लोगों के साथ अभी। तो सुना आपने, ये कलाकार हैं कमल कुमार, आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। सबसे बड़े इनके साथ मजबूरी ये है कि ये किन्हीं के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। सरकार को अविलंब इन कलाकारों की ओर देखना चाहिए, इनकी सूध लेनी चाहिए। और आइए मैं एक दो और महिला कलाकारों से आपको मिलवाता हूँ
जो गायकी में भी लगे हुए हैं, संगीत के क्षेत्र में भी लगी हुई हैं, बच्चों को पालन पोषण के साथ ही पूरे घर का दायित्व तो संभालती हैं और साथ में हमारा आपका मनोरंजन भी करती हैं। इसी दौर में एक कृष्णा सरकार जी हैं, बड़ी अच्छी गायक कलाकारा हैं। कृष्णा सरकार जी से पूछता हूँ उनके जीवन के बारे में। कृष्णा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? बस अब ऊपर वाले की कृपा है, दुआ है कि बस खींच के कोई तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सारे कलाकार कला पर आश्रित थे और हमें लगता था कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जिस कि हमें मतलब स्टेज से मंच से दूर रहना पड़े, लेकिन आज ऊपर वाले की परीक्षा है कहिए या कुछ, माने ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हम मजबूर हो रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो ये दिनचर्या चल रहा है ये आखिर कब तक। इस बीच अढ़ाई महीने के दौर में ऐसा कोई दिन जिस दिन आप बहुत तकलीफ में रही हो, लगा हो कि कोई मेरे लिए पहुंचे, कहीं से कोई मदद मिल जाए, ऐसा एक आध दिन आपने गुजारा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी लॉकडाउन के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई और जैसे कि सबको पता है कि हम कलाकार सिर्फ कला पर आश्रित रहते हैं और हमारा जो परिवार चलता है वो उसी के जो हमारे पैसे मिलते हैं उसी के जरिए हमारा परिवार चलता है, और ऐसा स्थिति आ गया कि अचानक तबीयत खराब हो गई और हमारे पास दवा के लिए भी पैसे के लिए सोचना पड़ रहा था। दवा के लिए भी सोचना पड़ रहा था। झारखंड सरकार से मैं फिर से अपील करूंगा कि ये स्थिति क्यों, जबकि ये कलाकार राज्य में और जब राज्य से बाहर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये खुद अपने साथ झारखंड के मिट्टी के सौंधी सुगंध को, झारखंड के संगीत से, झारखंड के हैसियत से यहाँ की मिट्टी के सुगंध को दूसरे राज्यों में को सुगंधित करते हैं, मनोरंजित करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर गिनना शुरू करूं तो आज के तारीख में मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 500 से 600 ऐसे कलाकारों का वर्ग है जिन पर ना तो सरकार का, ना तो किसी सामाजिक संगठन का, ना ही सेल्फ जो दूसरे कलाकार हैं वो उनको मदद कर सकते हैं। दूसरे कलाकार तो मदद कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो खुद आश्रित हैं। ऐसे दौर में जब मैं निकला तो बहुत सारे कलाकारों में एक और कलाकार मुझसे मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मदन पाठक जी। मदन पाठक जी, थोड़ा जब मैं बात कर रहा था पता चला कि आप बीच में काफ़ी अस्वस्थ थे और इस बीच में आपको आपके मकान मालिक ने घर से भी निकाल दिया भाड़ा नहीं रहने के कारण, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, मैं रह रहा था, 3-4 महीने का भाड़ा करीब हो गया था और बराबर प्रेशर, लॉकडाउन में प्रेशर हुआ जिसके कारण मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। सुन रहे हैं, कौन सुनेगा इनका दर्द, कौन इनके तकलीफ को बांटेगा, इनका क्या गुनाह है कि इन्होंने संगीत को अपनाया, इनकी क्या गलती थी कि ये संगीत को चुना, आखिर ये आपके लिए ही तो निकलते हैं रात के 2 बजे 2:30 बजे एक स्कूटर एक गाड़ी से जान हथेली पे लेकर कार्यक्रम के बाद अपने घर पहुँचते हैं। आज ये स्थिति है इनकी कि पूरी के पूरे समाज सरकार इनके ओर से मुख मोड़े हुए हैं। मैं फिर से बार बार झारखंड सरकार से आगाह करूंगा कि एक नज़र ऐसे कलाकारों पे ज़रूर डालें ताकि आने वाले कल को इन कलाकारों का भी राशन पानी मिले, इनका जीवन चले, ये खुशहाल हो सकें और आने वाले कल को झारखंड के तरक्की में मनोरंजन के दौर में मनोरंजन के साथ इनका सहयोग मिलता रहे। इनको जीवित रखना आवश्यक है, ये हमारे समाज के वो वर्ग हैं, जब भी ज़रूरत पड़ी है आपके एक बुलावे पे जहां आपने बुलाया है ये पहुंच के आपके लिए इन्होंने काम किया है। आज सरकार को ज़रूरत है कि इनकी ओर देखें, प्रतिनिधि अगर सुन रहे हों तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सुने, इनको देखें और इनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें। ये संगीत करने वाले हैं, आइए ना एक आध संगीत और छोटा सा एक आध ले लेते हैं और इसके बाद दो एक कलाकारों से बात करेंगे। मेरा
दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये जोश, ये जज्बा या तो फौजी में हो सकता है या फिर एक कलाकार में हो सकता है, जो हर मुसीबत में केवल केवल और केवल देश पे न्यौछावर होने को तैयार हैं। इनके लिए अगर दो लाइनों में कहा जाए तो कुछ यूँ कहा जाएगा कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर जो चला संगीत ढूंढने वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा, न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। हालांकि संगीत जीवन देती है, संगीत गम में, संगीत खुशी में, संगीत सुबह, संगीत शाम, जब चाहो तब आप संगीत करके अपने गम को भुला सकते हो। मगर आज ये संगीत जिसको इन्होंने खुद का पेशा बनाया, इस मुसीबत के घड़ी में यह संगीत बहुत हद तक करते हुए भी यह संगीत से दूर होने होने के कगार पे आए हुए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं एक ऐसे रिदमिस्ट से, आप हैं जोसफ सैमसन, जो ढोलक तबला हैंड सोनिक ये सारा कुछ बताते हैं, बजाते हैं। पूछते हैं इनसे कि इस लॉकडाउन में इनकी क्या स्थिति है। जोसफ, कैसे हैं आप? हाँ, फिलहाल तो ठीक ही हैं। अब जैसे ऊपर वाला चाह रहा है, अभी हम लोग लॉकडाउन में तो फिलहाल 3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। ये घर कैसे चल रहा है अभी? घर चल रहा है, जो हल्का फुल्का सेविंग्स बचा के रखे हुए थे हम लोग, उसी के से चल रहा था। ये एक आवा आपका है कलाकारों का, क्या उसने कोई मदद नहीं करी आपके? नहीं, आवा देखिए, हम लोग से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद कलाकार इस क्षेत्र में बहुत सारे हैं, जिनको हम लोग पहला देख रहे हैं। हम लोग तो अपने से, अपना तो किसी तरह से हम लोग चला ही रहे हैं जब तक चल रहा है, लेकिन जो एकदम नीडी है, जो एकदम ज़रूरतमंद है, सबसे पहले हम उनको देख रहे हैं। उनका घर परिवार दो वक्त का रोटी मिल जाए उनके लिए, वही भोगते हैं हम लोग के लिए, ऊपर वाला फिर देखेंगे हम लोग को। ये होती है भावना कलाकार की, खुद भूखे रहेंगे मगर हमारे कलाकार मित्र भूखे सोएं, ये जो सब साहब को गवारा नहीं है। अरविंद भाई, आप भी रिदमिस्ट हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में इनकी शिरकत ही होती है, मगर आज के तारीख में ये भी निठल्ले बैठे हुए हैं, अगर कुछ यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा। अरविंद भाई, कैसे हो, कैसे चल रहा है आज का दिन आपका? बस जो हाल सबका है, सब आर्टिस्ट, हमारे आर्टिस्ट भाइयों का वैसे ही, वही हमारा हाल है, जो एक्चुअल 2.5-3 महीने से कोई काम नहीं, कोई शोज नहीं, कोई इनकम नहीं, और बस हमारे जो अपने संस्था है, संस्था के जरिए हेल्प मिल रही है, उसे भी चल रहा है, थोड़ी बहुत सेविंग थी उससे ही अभी तक तो चल रहा है। अब आगे समय, अब स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने की संभावना है, क्योंकि आगे दूर दूर तक अभी काम, आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सरकार से ज़रूर कहना चाहेंगे, सरकार सभी वर्ग के लिए वो ध्यान दे रहे हैं, हमारे जैसे हम सभी कलाकार वर्ग के लिए भी ध्यान दें, हमारे कलाकार के बारे में भी कुछ सोचे, कुछ विचार करें, कुछ ताकि कलाकारों का एक भरण पोषण हो, एक चल सके, उनका भी परिवार, सब के लिए सरकार आर्टिस्ट लोग के बारे में भी सोचे, बस यही चाहता हूँ। बड़ी भयावह कहानी है इनकी, जिनको सुनो एक ही है कि आज के तारीख में हमारे पास काम नहीं है, खाने को मुहताज हैं, बच्चों के फी नहीं है, घर में देने के लिए भाड़ा नहीं है, आखिर करें तो क्या करें। दीपक श्रेष्ठ, इसी कड़ी में उनसे मुलाकात हुई, इन्होंने काफ़ी कैसेट भी निकाला है, अपने गाए हुए गीत भी निकाले हैं, इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, बहुत अच्छे गायक भी हैं, मगर आज के तारीख में मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी क्या स्थिति है, उन्हीं से पूछते हैं। तो मिलते हैं दीपक श्रेष्ठ से। दीपक, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया और SMP TV के ज़रिए मुझे दो शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अभी इस वैश्विक महामारी में कलाकारों का स्थिति बहुत ही दयनीय है और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी अगर बात सुने तो कलाकारों के लिए कुछ ऐसा योजनाएं करें ताकि डायरेक्ट लाभ कलाकारों को मिल सके। इनका डिमांड, कलाकार के लिए सरकार से
दीपक जी की अपेक्षा है कि सरकार कुछ ऐसा करे कि समस्त कलाकारों को मदद मिल सके। तो चलिए, पुरुष तो पुरुष, महिला भी इस वर्ग में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और उनका रोज़गार है, इनका ये पेशा है। सुजाता जी गृहिणी भी हैं और साथ ही म्यूज़िक सिखाती भी हैं और बड़े बड़े मंच पे इनको हमने कार्यक्रम करते भी सुना है। हम सुजाता से मुखातिब होते हैं। सुजाता जी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है आपका आज के तारीख में घर? बस चल रहा है जैसे सब कलाकारों का चल रहा है। हम लोगों का तो स्थिति इतना बुरा हो गया है कि अभी स्कूल खुलेगा तो बच्चों के फीस, उनके किताब कॉपी पता नहीं कहाँ से आएंगे, कौन हमारी मदद करेगा। मैं तो डांस क्लास भी चलाती हूँ लेकिन एक भी बच्चे नहीं हैं, एक भी पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो कि बच्चे को भेजे और हम अपना शिक्षा उन्हें दे सके और अपनी फीस ले सके। तो हम लोग सब कलाकारों की स्थिति ऐसी इतनी दयनीय है कि हम लोग स्टेज शो करते थे तो कुछ हमारी मदद होती थी, कुछ और बच्चे आते थे, ऑडियंस हम लोगों को देखते थे, हम लोग उन लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन अब हम लोग घर में चुकी बैठ गए तो हम लोग ऐसी स्थिति में है कि किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, किसी से मांग नहीं सकते हैं कि हमारी मदद करें। शर्म से किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हमारे घर में इस चीज़ की कमी है। बस सरकार से यही हम भी अपील करेंगे सभी कलाकारों के लिए कि हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता दिखाए ताकि हम लोग अपने घर चला सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। बस सरकार से हमारी यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार, सबों की अपील केवल सरकार से है। और जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक द्वार वही रहता है, सरकार, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जिनके कंपेनिंग के टाइम में ये कलाकार किन्हीं के लिए कंपेनिंग सीडीज तैयार करते होंगे, गीत तैयार करते होंगे, जगह जगह नुक्कड़ सजाकर नाटक में म्यूज़िक के थ्रू सरकार के लिए काम करते हैं। तो ऐसे वक्त में सरकार को चाहिए कि वो अविलंब इन कलाकारों को बुलाएं, इन कलाकारों तक अपने प्रतिनिधि को भेजें और इन कलाकारों को मदद करें। SMP झारखंड की ओर से मैं सरकार से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया रांची के इन स्टेज कलाकारों को, संगीत के कलाकारों को अपना वक्त दें, इनके लिए कल्याणार्थ कुछ न कुछ काम जरूर करें। SMP झारखंड से मैं गौतम कुमार। तो अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।